साथियों, कई सारी नमाहें देख पा रहा हूँ और हम उनकी मुस्कान को याद करते हैं। दो तीन वजहों से बहुत भावुकता के साथ अमरीश भाई भी याद करते हैं। एक तो ये कि जब पिछले साल ये हुआ अस्पताल जाने की, कुछ दिन पहले ही हम उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, तो ऐसे तमाम सारी जगह पे वो लगातार सक्रिय थे और अचानक से ये हो गया उस भयावह समय में, जबकि हम लोग हर दिन फेसबुक खोलने से डरते थे कि पता नहीं आज किसकी खबर मिलने वाली है। तो एक ये मसला है बहुत। दूसरा ये कि मैं खुश होता हूँ कई बार कि हम उन्होंने जिस संगठन के साथ अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था, और इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, मेरा अपना अपनी शुरुआत भी उसी संगठन के साथ थी। ये कॉम्रेडशिप काफ़ी पुरानी थी, आरजी फोरम से भी पहले, और लगातार कुछ कुछ मुद्दों पर साथ में काम करना। तीसरी बात जो और महत्वपूर्ण बात ज्यादातर लोग जानते हैं, कहते हैं उनका इंक्लूसिव व्यक्तित्व, वो न केवल लोगों को संभाल कर रखना जानते थे, लोगों को जोड़ना जानते थे। मुझे याद है कि 2013-14 में जब शुरुआती कॉन्फ्रेंसेज स्टॉक टेकिंग वगैरह भोपाल में कर रहे थे, तो हम लोग शामिल नहीं हो रहे थे, बुलाते थे बार बार आके बैठो तो सही बात। तो ना केवल लोगों को संभालना, बल्कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और एक्सट्रीम्स हैं, उनको भी मैनेज करना उनको आता था। विनोद जी के साथ उतना साबता नहीं रहा, लेकिन हम लोग भोपाल में रहते हैं तो अनिल जी के साथ काफी सारी बात होती है और वो डिफरेंसेस नजर आते हैं। अम्बरीश भाई ये सारी चीजों को कितनी खूबसूरती के साथ मैनेज कर लेते थे, सबको एक साथ बिठाना, करना और मुद्दे को आगे बढ़ाना, ये उनसे सीखने वाली बात है। और इसलिए जैसे सभी साथी कह रहे हैं, आज सच्ची ट्रिब्यूट जो होगी वो यही की, न केवल आरजी फोरम के लिए बल्कि पूरे एजुकेशन फॉर ऑल के इस मकसद को कायम रखने के लिए, हासिल करने के लिए, मुझे लगता है कि हम लोग सब मिल के काम करेंगे, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इनकलाबी सलाम।